हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज अपडेट कैसे करते हैं। जब आपने कोई विंडोज इंस्टॉलेशन कर लिया आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर, बट आपको अभी उसका विंडोज अपडेट करने हैं, तो वो कैसे करने हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और रन जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्विस टाइप करना है, सर्विस डॉट MSC, ठीक है, servics.msc आपको टाइप करना है और ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने ये services.msc ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डब्लू प्रेस करना है। डब्लू प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखेगा विंडोज अपडेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर ये डिसेबल्ड है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन डिसेबल्ड है, तो इसको आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डिसेबल्ड है यहाँ पर ऑटोमेटिक पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, स्टार्टअप टाइम में ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो क्या होगा, जो आपका विंडोज अपडेट का सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट कर देना है इसको, सर्विस को। उसके बाद आपको ये क्लोज कर देना है और यहाँ पर वापस से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पर एक विंडोज सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो विंडोज अपडेट है, यहाँ पर जो चेक फॉर अपडेट्स एक बटन दिखेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और मेक श्योर कर लेना है कि जो आपका इंटरनेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट से। तो फ्रेंड्स, इधर ये जो आपका मिसिंग अपडेट पैचेज हैं वो सारे यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा और वन बाय वन उनको इंस्टॉल कर देगा। तो आप अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपका जो विंडोज अपडेट है यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो सारे के सारे डाउनलोड कर लेगा और उनको इंस्टॉल कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। जितने भी इसको अपडेट्स लगेंगे यहाँ पर वो सब इंस्टॉल कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको विंडोज अपडेट कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।